आज के समय में फिट रहना बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए चुनौती बन गया है। योगा एक ऐसा साधन है जो हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। योग के माध्यम से हम विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और इसे अपनाकर हम एक स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। हालांकि योग करते समय अनुशासन का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुशासनहीनता आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अधिक योग करने से होने वाले नुकसानों से बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैंने बात की योगा से होने वाले नुकसानों के बारे में, तो आप चौंक गए होंगे कि योगा करने से भला क्या ही नुकसान हो सकता है, मगर ज्यादा योगा करने से नुकसान होते हैं। हम आपको बताएंगे कि जरूरत से ज्यादा योगा करने से आपके शरीर को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। योग एक प्राकृतिक शारीरिक और मानसिक व्यायाम है जो आपकी शारीरिक स्थिरता, तनाव कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। हालांकि योग को सही तरीके से करने पर कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। ज्यादा योगा करने से बचना चाहिए। किसी भी योगासन को अपनी सीमा से बाहर जाकर नहीं करना चाहिए। शुरुआत में पहले आसान आसनों से शुरू करें, फिर धीरे धीरे कठिन आसनों की ओर बढ़ें। यदि आप ज्यादा ताकत लगाने वाले योगासन करते हैं तो इससे शरीर को कई नुकसान पहुंच सकते हैं। योगासन करते समय बेवजह दबाव नहीं डालना चाहिए, आसनों को सहजता से करें, कठिनाई में नहीं। योग के बाद थोड़ा आराम करना भी जरूरी होता है। चोट और घाव से बचना चाहिए। योगासन को गलत तरीके से करने, गलत स्ट्रेचिंग या जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से चोट लग सकती है, इसलिए योग गुरु या किसी अनुभवी प्रशिक्षक के निर्देशक का पालन करना जरूरी होता है। मासिक धर्म, गर्भावस्था या गंभीर रोगों के दौरान योग ना करने की सलाह दी जाती है। पाचन संबंधी समस्या, जी हाँ, कुछ लोगों को योग करने से पहले या बाद में पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में योग से पहले थोड़ा सा समय दें और पेट हल्का रखें। पाचन दवाओं का सहारा भी लिया जा सकता है, पर याद रखें कि ये किसी डॉक्टर के निर्देशन से ही लें। भोजन के बाद योगा ना करें। कई लोग नाश्ता करने के बाद या शाम को योग करते हैं, लेकिन योग से पहले पेट का खाली होना जरूरी होता है। भरे पेट पर योगा करने से उल्टी आ सकती है या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। योगासन सुबह स्नान के बाद खाली पेट ही करना चाहिए। योग के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। कुछ लोग योगा करने के तुरंत बाद नहा लेते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। योग के बाद शरीर गर्म रहता है, ऐसे में तुरंत पानी पीना या नहाना सर्दी गर्मी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। योगासन के बाद एक घंटे तक का अंतराल रखने के बाद ही नहाना चाहिए। ज्यादा योगा करने के क्या संकेत होते हैं? चेहरा लाल हो जाना अधिक योगा का संकेत हो सकता है। जी मचलना और थकान महसूस होना भी जरूरत से ज्यादा योगा करने का लक्षण है। सांस फूलना भी अत्यधिक योगा का संकेत हो सकता है। शरीर में सूजन दिखाई दे तो यह भी अधिक योगा करने का संकेत हो सकता है। इन सुझावों का पालन हमेशा करना चाहिए, जैसे कि योगा से शुरुआत करें और अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे समय बढ़ाएं। एक ही आसन को लंबे समय तक करने की बजाय अपने रूटीन में 4 से 5 अलग अलग योगासन शामिल करें। थकावट, बुखार या किसी अन्य बीमारी के दौरान योगा से बचना चाहिए। यदि आप योगा के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं तो किसी गाइड की देखरेख में ही योगा करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही योगा करें। किसी और से प्रभावित होकर लंबे समय तक योगा करने की कोशिश ना करें। अधिक उत्साह में ज्यादा योग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।